अभी मेरे पास बस और सेम मुझे लग रहा है उसे और नेक्स्ट बाय फॉर द ब्रांड NYB गर्नर टी इसमें मिली है ग्रीनर टी मिली वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ एंड वेलकम बैक टू द अल्टरनेटिव वीडियो एंड अनदर शॉपिंग हॉल। सो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पर्पल का शॉपिंग हॉल और बहुत टाइम बाद मैं पर्पल का शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ। हमेशा आपके साथ अमेजोन या नायका का ही शेयर करती आई हूँ बट आज मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है पर्पल से क्योंकि उसमें बहुत सारी सीरियल चल रही थी और मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की नीड थी जिसकी वीडियो जिसका मेकअप ट्यूटोरियल कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपके यहाँ शेयर करना चाह रही थी तो मैं वही सारी चीज़ें आज बाय की हैं और उन्हीं को मैं आज आपके यहाँ शेयर करूंगी। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके यहाँ शेयर करूंगी सबके फोटोज और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको कुछ भी पसंद आता है आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो आप लिंक पर क्लिक करके या पर्पल के साइट पर जाकर बाय कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक डू कमेंट एंड डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मैंने जब मैं अपलोड करती हूँ। और आप मुझसे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ। सो गाइज बातें बहुत हो गई हैं और आज का ये शॉपिंग मॉल वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पर्पल के प्रोडक्ट्स हैं, पूरा पर्पल का बॉक्स एक साथ ही आया था और इसी के अंदर सारे प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, ऐसे ही आए हैं। मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि मुझे चेक करना था तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स से। जो सबसे पहले मैंने बाय किया है वो है ये व्यायाम का आयुर्वेदा वेट रिड्यूसर हेल्थ जूस मैंने बाय किया है। तो ये है इस तरीके के पैकेजिंग में आता है और जैसे कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी है और रिसेंटली मैंने डाइट कंट्रोल करना भी स्टार्ट किया है तो मैंने वेट मैनेजमेंट के लिए ये जूस बाय किया है। अभी ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करूंगी और आपको उसका रिव्यू जरूर दूंगी। तो ये है 300 ml की बॉटल आती है और इसका प्राइस है तो ये है 195 rupees का। इसको हमें यूज़ करना होता है 15 to 30 ml आप ले लो। इसमें ऊपर से इस तरह का ना वो मिलता है कैप मिलेगा इसमें आप मेज़र कर सकते हो और मेज़र करके आप 50 ml वाटर में आपको मिलाना है लूप फॉर्म वाटर में और उसके बाद आप ड्रिंक कर सकते हो। तो आपको एम्प्टी स्टमक पीना होता है और आपको दिन में 1 से 2 बार पीना है। तो अराउंड अगर मैं 1 से 2 बार दिन में पीऊँगी तो ये 1 month बॉटल चल सकती है। तो इसका रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी और बहुत ही अच्छा है। वैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है जर्जीनिया, गुगुल, हरद, बहेदा, एलोवेरा, तुलसी, जिंजर, एसिडिटी रेगुलेटर और Class 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो ये इस तरीके की बॉटल है गाइस और ये मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने पर्पल से बाय किया है। पर्पल में वाया आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे बट मुझे वेट रिड्यूसर चाहिए था बिकॉज आई एम गोइंग ऑन डाइटिंग सो ये उसके लिए काम आएगा। देन मैंने बाय किया है अल्प्स का, अल्प्स गुडनेस का ये स्वीट्स लव नीम शावर जेल। तो ये नीम ड्यूशे शावर जेल का मैंने रिफिल बाय कर लिया है, मेरे पास बॉटल चल रही है तो मैंने उसी लिए बाय कर लिया और उसको मैं उसमें फिल कर लूंगी। तो इसका प्राइस है 135 rupees और ये है 200 ml की बॉटल है। ये आपके स्किन को प्योरीफाई करता है, क्लींस करता है, नरिश करता है और आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। और इसमें आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें है नीम, बेसिल ऑयल, हल्दी एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें एलोवेरा है, एलोनेशन है, सोडियम लेथनेट, सल्फेट्स है और बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको बेदिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेश प्रोवाइड करेंगे, फ्रेशनेस प्रोवाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कूल और फ्रेश रहने में। तो ये मैंने बाय किया है अल्प्स के प्रोडक्ट्स से, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस ट्रस्ट मी। और सारे ही सारे आपको आयुर्वेदिक मिलने वाले हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से हर्बली और आयुर्वेदिक तरीके से अपनी बॉडी में यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी स्किन और बॉडी हेल्दी रहे, फिट रहे। तो गाइस नेक्स्ट मैंने अल्प्स गुडनेस का एक और बाय किया है, ये मैंने बाय किया है ग्रीन टी इंटीमेट हाइजीन वॉश बाय किया है। तो गाइज ये है अराउंड 100 ml का है और फाइट करेगा इरिटेशन में, इचिंग पे फाइट करेगा, pH बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और आपके ड्राइनेस और बैड ऑडर को और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपके उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और इसका प्राइस है 140 rupees का मुझे मिला है। कुछ ऑफर्स थे तो मुझे बहुत सारी जैसे ये एल्स की मैंने दोनों बाय किया, इसमें कुछ ऑफर था तो 10% डिस्काउंट मिल गया तो उस हिसाब से मैंने इसको बाय किया है। तो ये भी बहुत अच्छे से मुझे लगा है और वैसे मैं बहुत सारे इंटीमेट वॉशेज यूज़ करती हूँ, क्लीन एंड ड्राई के, वी वॉश के, VLCC के। तो अभी मैंने रिसेंटली गुड वाइब्स और अल्प्स के ट्राई करना स्टार्ट किया बिकॉज दे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हर्बल हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा हमारे स्किन और बॉडी के लिए अच्छे ही होते हैं। इसके रिव्यूज मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे इसलिए मैंने इनको बाय किया है। देन मैं आपका शेयर करना एक और मैंने इंटीमेट हाइजीन वॉश बाय किया है, वो है ये गुड वाइब्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनके यूज़ कर रही हूँ। तो ये गुड वाइब्स का एलोवेरा इंटीमेट हाइजीन वॉश है, इसमें है नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो
थिकेस्ट और ये क्वालिटी फ्री है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है गाइस, और ये 200 ml का है और इसका प्राइस है 325 rupees। और सबके पिक और फोटोज मैं आपको साइड में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, बैड ऑर्डर को रिमूव करता है, ड्राइनेस को रिमूव करता है, इरिटेशन और इचिंग को भी रिमूव करने में ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में बहुत टाइम से अराउंड 1.5 साल से यूज कर रही हूँ और पर्पज से ही बाय करती हूँ और बहुत अच्छे से इनके इंग्रेडिएंट्स है। इनके मैंने सीरम्स भी बाय किए हैं, टोनर भी बाय किया है, ग्रीन टी टोनर, तो इनका बहुत ज्यादा ही हाई प्रोडक्ट्स है, आप जरूर चेकआउट कर लिएगा। और बहुत ही अच्छा से मैंने इंटीमेट हाइजन वॉश बाय किया है। देन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट जो कि सारे ही सारे NYBA के हैं। और मैंने NYBA के प्रोडक्ट्स आज तक यूज़ सिर्फ, मेरे पास कंसीलर था, मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किया था, बट मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसेंटली न्यू लॉन्चेस किए हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं और बहुत ज़्यादा ही वो ट्रेंडिंग है, तो मैं सोचा क्यों ना उनको बाय किया जाए और उनमें इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत ही जल्दी आने वाला है इस शॉपिंग हॉल के बाद, मैं ज़रूर उसको बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी NYBA का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं NYBA के मैंने क्या क्या बाय किए हैं। तो NYBA का फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, NYBA का मैंने बाय किया है रनवे रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर और ये है प्राइस इसका 220 rupees और मेरा शेड है 4 honey। तो मैंने 4 honey बाय किया, वैसे हनी मुझे डार्क होता है, मुझे बीच और न्यूड आते हैं, वॉर्म सैंड आता है, बट देखते हैं ट्राई करके। वैसे मैंने हनी के रिव्यूज पढ़े थे उसमें, तो उसमें ये मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जा रहा था और उन्होंने लिखा भी था, अपना प्रॉपर इन्होंने डिफाइन किया है कि आपके ब्यूटी स्किन टोन के लिए कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं इसको आपसे ओपन कर रही हूँ। ओके, तो फाइनली ये ओपन हो गया है और ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है और इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये है, इस तरह की पैकेजिंग है। इसके कलर तो मुझे लग रहा है एकदम मेरे शेड पे ही है, मैं तब भी एक बार ट्राई करती हूँ। तो ओके, हाँ यार मेरे शेड का ही है और बहुत अच्छे से मेरे स्किन पे जाएगा। या आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हल्का सा ऑयल आ गया है और यहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ तो ये ऑयल को रिमूव कर दिया इसने, तो ये भी बहुत अच्छा है और कलर शेड बहुत अच्छा मुझे मिल गया। मुझे लग रहा था मेरी स्किन पे ये डार्क होगा, बट बहुत अच्छा, इसमें इस तरह का स्पॉन्ज मिलता है और मिरर भी मिलता है इसमें, इस तरह का पैकेजिंग वाइज गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो एकदम मतलब क्लासी टाइप की पैकेजिंग है, लक्स पाउडर टाइप का लग रहा है। तो ये है NYBA का रनवे रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर और मुझे पहली बार ट्राई कर रही हूँ NYBA के सारे ये नए प्रोडक्ट्स जो मैंने नए लॉन्च हुए हैं, तो एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए। मैंने बाय किया है NYBA का ये शाइन एंड शिमर हाईलाइटर और इसके रिव्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये है 275 rupees का मुझे पड़ा है और शेड है मेरा 02 ग्लो गोल्ड, तो मैंने ग्लो गोल्ड शेड बाय किया है। और चलिए इसको भी पहले ओपन कर लेते हैं। ओके, तो इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आई है क्योंकि अगर बहुत दूर से अगर डिलीवरी दे रहे हैं तो ये पैकेजिंग बहुत अच्छी है क्योंकि इससे आपके प्रोडक्ट ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बाहर भी कवर किया है इन्होंने, प्लस जब पैकेजिंग आई तो वो भी बबल रैप आई थी एकदम, तो कोई भी चांस नहीं था कि ये कभी ब्रोक हो जाएँ। और वैसे हाईलाइटर्स वगैरह की पैकेजिंग बहुत अच्छे से होनी ही चाहिए क्योंकि क्यूट लगते हैं। तो ये ओपन कर लिया है मैंने, अब इसके अंदर इसको ओपन करते हैं। कॉम्पैक्ट का तो मुझे फाड़ना पड़ गया इसका पैकेट, चलो इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी मुझे फाड़ना ही पड़ रहा लग रहा है। ओके, लुक एट द पैकेजिंग गाइस, लुक एट द केस ऑफ NYBA हाईलाइटर, बहुत क्यूट सा छोटू सा है और नॉर्मली जैसे हमारे पास होते हैं हाईलाइटर्स वैसे ही है और बट ये सिंगल पैंच में है और ये है इसका हाईलाइटर। सेम मुझे लग रहा है कि जो आपका मेबलिन का गोल्डन मोल्ड वाला जो शेड है वैसा ही लग रहा है हल्का सा मुझे। मैं ज़रूर आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी ट्राई करके कि अगर ये वैसा ही है कि नहीं है, बट बहुत ही प्यारा है और आप शेड देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे स्किन पर अगर हम लगाएंगे तो लुक एट दिस गाइस। या तो ये भी बहुत अच्छे से जाएगा, वाओ। वैसे मैंने आज हाईलाइटर लगाना भूल गई थी तो चलो इसी से ही काम चलाते हैं। तो ये है, मैंने लगाया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हमारे फेस पे आ रहा है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार इसको भी यूज़ करने के लिए, बहुत ही अच्छा है और ग्लो गोल्ड शेड है इसका। एकदम मुझे लग रहा है कि सच बता रही हूँ, मुझे एकदम लग रहा है पता नहीं इसको लगाने के बाद कि मेबलिन वाले को टक्कर देगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए तो एक दिन आपके साथ मैं कंपेयर भी कर दूंगी लो प्रोडक्ट्स और मीडियम या हाई पे, जो भी मेरे पास हो पाएगा। तो गाइज नेक्स्ट मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ NYBA का, ये है प्रो प्राइमर ऑरेंज कलर करेक्टर फेस प्राइमर है ये। तो ये मैंने बाय किया है और इसके रिव्यूज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें 3-4 colors अवेलेबल हैं, आपको येलो करेक्टर है, पर्पल करेक्टर है,
और बीच करेक्टर है और ऑरेंज करेक्टर. मैंने ऑरेंज करेक्टर बाय किया है बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे. तो ये मैंने बाय किया है और इसका प्राइस है 249 रुपीज़ और कंसिस्टेंसी है इसका ये आपका है 15 ml का मुझे मिलता है. तो इसको भी ओपन कर लेते हैं और ये ट्यूब फॉर्म में है और ये है ऑरेंज करेक्टर और क्रीमी कंसिस्टेंसी है, लिक्विड विथ क्रीमी में आएगा हल्का सा. और ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है. लुक एट दिस गाइस, वाओ. और बहुत ही मैट है यार ये, देखो एकदम आपको ऑयली नहीं दिख रहा, एकदम सॉफ्ट होके एकदम स्किन में मर्ज हो गया है. और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये आ गया है. और इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो अगर आपको पिगमेंटेशन के लिए चाहिए तो आप येलो वाला बाय कर सकते हो. मुझे डार्क सर्कल लिए चाहिए था इसलिए मैंने ये बाय किया है. अगर आपके पास कोई ओपन पोर्स वगैरह हैं तो आप पर्पल वाला भी बाय कर सकते हो. तो ये है मेरा. ओके, देन मैंने बाय किया है NYB का शक्ति का शक्ति लिपस्टिक बाय किया है. ओके, शक्ति मतलब इनका प्रॉपर नेम है जो शक्ति मोहन के उस पर ब्रांड है. और ये है जो शक्ति मोहन का जो ब्रांड है, उन्होंने इसे कोलाबरेट करके इनका NYB का है ये. और मेरा शेड है, मैंने बाय किया है ये 4 ग्रूव. और मैंने इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे से पढ़े थे कि मतलब बहुत अच्छा इसका कलर था. तो चलते हैं इसको ओपन करते हैं. वाओ, लुक एट द पैकेजिंग गाइस, बहुत ही प्यारी, एकदम गोल्ड टोन कलर की, न्यूड गोल्ड बीच कलर की पैकेजिंग है. और इसको ओपन कर लेते हैं पहले. ओके, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और आपको मैं शेड दिखाती हूँ. लुक एट दिस शेड गाइस, ये है शेड इसका. और बहुत ही प्यारा पिंकिश न्यूड है, मतलब मैं आपको ये बोलूंगी कि एकदम पिंक जैसे ये लगाए ऐसा भी नहीं है और न्यूड में आता है और एकदम पिंक टोन पे है और मैट फिनिश का है. और लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा लग रहा है. और पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छी, एकदम ना मतलब कह रहे हो डिलक्स टाइप की, एकदम डिलक्स पैकेजिंग होती है ना, उस तरह की पैकेजिंग है, गोल्डन कलर में. और इसका प्राइस था, मैं आपको प्राइस जरूर बता देती हूँ. तो ये पड़ी थी इसका प्राइस क्या है, ओके 249 रुपीज़ की ये पड़ी थी. और ऑफर्स थे गाइस, जैसे मैंने आपको बताया NYB में बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे, बाय वन गेट वन चल रहा था या बाय वन ऑन MRP एंड सेकंड फ्री था या 10% ऑफ था, इस तरह की चीज़ें पड़ रही थी. तो मैंने बाय किया है इसीलिए सारे प्रोडक्ट, ताकि मैं ऑफर में बाय करके आपके साथ सबको शेयर कर सकूँ पूरा वन ब्रांड टाइप का. तो देन मैंने बाय किया है NYB का सनसेट स्काई लाइन ब्लश. तो सनसेट स्काई लाइन ब्लश है और ये मेरा शेड है इसमें 03 सेलेस्टियल पिंक. तो 03 सेलेस्टियल पिंक है और इसका प्राइस है 230 रुपीज़ जैसे आपको दिख रहा होगा. तो ये भी है, चलिए इसके भी पैकेजिंग ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये कैसा आया है. वैसे गाइज मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैंने सारे प्रोडक्ट NYB के चेक किए हैं तो ये बहुत ही बड़े ब्रांड को भी टक्कर देने वाला प्रोडक्ट्स हैं इसके. और मैं आपको बोलूँगी कि यार मतलब इंडियन स्किन टोन के लिए तो एकदम बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. तो गाइज ये पैकेजिंग इस तरीके की ओपन हो गई है और लुक एट दिस, कितना क्यूट पैकेजिंग, एकदम कॉम्पैक्ट वाले जो पैकेजिंग था उसी का छोटू वर्जन है. तो इसको भी ओपन करते हैं एंड लुक एट द शेड गाइज, वाओ सो प्रिटी. एंड ये है ऐसा, मैं आपको दिखाती हूँ. वाओ सो प्यारा, मतलब बहुत प्यारा ब्लश है यार ये, देखो एकदम अच्छा सा आ रहा है. और मैं यहाँ लगा के देखूँ, हाँ यार ये मेरे स्किन के लिए सही है क्योंकि मैंने ना इससे पहले एक बाय किया था मेबलिन का और इसे कही तो वो ना रोज शेड में आ गया था. रोज मेरे स्किन पे नहीं जा रहा था, मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मेरे स्किन पे रोज एकदम लग रहा था जैसे कि फेयर स्किन पे अच्छा लगेगा, मेरे स्किन पे रोज बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था. और आप देख सकते हो, वाओ सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी. आप देखो कितना प्यारा आया है यार, बिल्कुल जरा सा लगाने पे बहुत ही अच्छा सा आ गया है कलर ये. और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कितना है प्राइस, 230 रुपीज़ है. और ये है इसकी पैकेजिंग और बहुत ही क्यूट कलर का है, सेलेस्टियल पिंक है इसका शेड नंबर. और बहुत ही जल्दी आपको इसके वीडियोस भी मिलने वाले हैं गाइस. देन मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ NYB का प्रो स्ट्रोब क्रीम और ये है इसका शेड गोल्ड सेफायर शेड, मैंने बाय किया है और इसका प्राइस है 249 रुपीज़. और इसमें दो शेड अवेलेबल हैं, गोल्ड एंड पिंक सेफायर, गोल्ड सेफायर. तो मैंने गोल्ड बाय किया बिकॉज आई एम इन व्हाइटिश स्किन टोन और पिंक वाला मुझे हल्का सा ना व्हाइटिश टोन का लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा. और मेरी व्हाइटिश स्किन टोन है तो मुझे ऐसा लग रहा था हल्का सा गोल्ड टच में रहना चाहिए, तो सेफ साइड होके मैंने इसको बाय कर लिया है. और प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 249 रुपीज में सारे ही सारे मतलब प्रोडक्ट्स उनके 250 240 270 300 के अंदर ही हैं, मतलब कोई भी ज्यादा नहीं है. बस आप पैलेट वगैरह भी देखोगे तो वो भी 299 का मिल जाएगा.
और बहुत सारी चीजें यार इनकी, मतलब मुझे लग रहा है कि 500 के रेंज के अंदर सब कुछ है, मतलब आपको सब कुछ 300 के अंदर ही मिलेगा, और जितने प्रोडक्ट मैं आपका शेयर किए हैं सब के सब आपको 240-250 में ही मिल रहा है। तो ये है इस तरीके का, और ये है स्ट्रोक क्रीम, और ये इसको आप दिखाती हूँ लगा कि लुक एट द स्काइज। तो शाइन देखिए इसकी, एकदम प्यारी सी शाइन है, एकदम इसमें ग्लिटरी पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एकदम सॉफ्ट और स्मूथ है, और आपके स्किन पे एकदम ना कहते मक्खन की तरह मेल्ट हो गया ये आप देख सकते हो। तो प्रो स्ट्रोक क्रीम जो होती है ये आपको, आप चाहो तो मेकअप के पहले लगा सकते हो, एज अ प्राइमर लगा सकते हो, और एज अ प्राइमर के बाद भी आप ग्लो प्रोवाइड करने के लिए भी आप सेकेंड लेयर लगा सकते हो। तो प्रो स्ट्रिप उसका काम करती है, और मैं ये बोलूंगी यार कि आपकी मैक की स्ट्रोक क्रीम जो है ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये उसको टक्कर देगा, मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ, मैं लिख के बता रही हूँ कि उसको पूरे प्रॉपर देने वाला है, तो वो भी मेरे पास आने वाला है। वैसे तो लक्स प्रोडक्ट जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको एक लक्स में और एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करके ज़रूर बताऊंगी कि क्या क्या अफोर्डेबल हैं, और सेम कलर सेम कंसिस्टेंसी सेम फॉर्मूला में मिल जाते हैं, और कम रेंज में और हाई रेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए ये है हमारा प्रोडक्ट। देन मैंने बाय किया है NYB का फाउंडेशन, मेरे पास सारा NYB का कलेक्शन हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा रेंज मैंने बाय की है NYB की। तो ये है NYB का फाउंडेशन, और ये है डुई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन, और शेड है फ्लैट वाइट। ओके, फ्लैट वाइट मैंने बाय किया है, देखते हैं यार फ्लैट वाइट मेरे शेड में आता भी है कि नहीं है, क्योंकि यार मैंने शेड, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें, बट मैंने जब देखा था तो उसमें लिखा था कि ब्रिटिश स्किन टोन पे ये जाएगा, तो अगर जाएगा तो अच्छा, नहीं तो मुझे एक शेड आगे पीछे करना पड़ेगा। तो यार ये इस तरीके की बॉटल है, और 30 ml का है, देखते हैं कि क्या होता है इसको। अच्छा, इसमें ड्रॉपर नहीं है, तो आपको इस तरीके का ओपन करके ये मिलेगा लाइक दिस, और मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। हाँ यार ये मेरे शेड का ही है, ये फ्लैट वाइट लिख रहा है बट ये प्रॉपर मेरे शेड में जाएगा लग रहा है, देखते हैं, हल्का सा लाइट लग रहा है क्या, एक शेड मुझे लाइट लग रहा है, मतलब मेरे स्किन पे ये ऑक्सीडाइज ना करते, लेकिन अगर मैं मीडियम कवरेज चाहती हूँ या लो टू मीडियम, तो देखिए कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। एक शेड मुझे वाइट लग रहा है हल्का सा अपने से, पता नहीं क्यों, हल्का सा वाइट लग रहा है। अगर मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं इसको साथ में एक और कोई कलर बाय कर लूँगी हल्का सा डार्क शेड का, और उसको मिक्स करके लगाऊंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया हमारे स्किन पे, कितने अच्छे से ये ब्लेंड भी हो गया है, और एकदम मैट फिनिश आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे शाइन हो यहाँ पे शाइन नहीं है, तो एकदम बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है। और अब तो इसका रिव्यू तो मैं आपको लगा के ही बता पाऊंगी पूरे फेस पे कि इसके बाद इसका रिव्यू कैसा था, वो मेरे शेड पे था कि नहीं था। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये है 229 rupees का ओनली 30 ml गाइस। लुक एट द, मैंने आपको बोला ना सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको 250 के अंदर ही मिल रहे हैं, और शेडोज वगैरह भी मैंने लिए थे, और मतलब वो अभी आया नहीं है, तो उसका प्राइस भी 299 rupees था, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है NYB का, कुछ भी महंगा नहीं है यार। तो अफोर्डेबल रेंज में आप अगर अच्छा मेकअप और अच्छा न्यू ट्रेंडी टाइप का मेकअप चाह रहे हो ऑल ओवर स्किन के लिए, मतलब स्किन के सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, मेकअप के भी मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपको मिलने वाला है, और अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही मस्त है। तो गाइज नेक्स्ट लास्ट सेकंड में आपका शेयर करने जा रही हूँ, वो है NYB का ये ट्रूली मैट लिक्विड आईलाइनर। तो ये भी मैंने बाय कर लिया है, क्योंकि NYB का जब मेकअप हम शेयर करेंगे तो हमें वन ब्रांड के लिए सब कुछ चाहिए होता है, तो ये मैंने बाय किया है, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है ओपन करने में, तो मेरी सारी मेहनत पैकेजिंग ओपन करने में ही जा रही है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और ये एकदम जो हमारा मेबलिन के आते हैं ना वैसे टाइप का ही है, छोटू सा पैकेजिंग, और लैक्मे का 9 to 5 वाला, आप लैक्मे एब्सोल्यूट का भी देखोगे तो वो भी ऐसे ही है, और मेबलिन वाला कोलाजर वाला भी ऐसा ही है, और इस तरह के पैकेजिंग है, और ये एकदम जेट ब्लैक है। वाओ गाइस लुक एट द फिनिश, बहुत ही सॉफ्ट था, इसके टिप भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब लगाने पे मुझे, मतलब आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से ऐसे भी लगा लूंगी, बहुत ही अच्छे टिप है, और एकदम जेट ब्लैक फिनिश का है, और या तो उसको हम लगाएंगे और आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और इसका प्राइस है 229 rupees ओनली। यस सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड NYB और पर्पल से शॉपिंग करने का लास्ट है हमारा ये NYB का मस्कारा, और ये प्राइस है 299 rupees, और ये भी मैंने बाय किया है। ओके, तो NYB में दो तरह के आपको मस्कारा मिलेंगे, आपको वॉल्यूमनाइजिंग मिलेगा और लेंथनिंग मिलेगा। वॉल्यूमनाइजिंग मेरे पास मस्कारा बहुत सारे थे, तो मैंने लेंथनिंग वाला बाय किया है, और लेंथिंग मतलब मेरे आई लैशेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, बहुत ज़्यादा छोटी भी हैं, तो वॉल्यूमनाइजिंग के लिए बहुत सारे मस्कारा हैं जिससे कि ना हैवी आ जाता है। तो अभी मैंने इस टाइम पे लैश पैराडाइज का लगाया है लॉरियल का वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा, तो मैंने ये बाय किया है लेंथनिंग मस्कारा, बिकॉज लेंथनिंग वाले मस्कारे भी जिससे कि आपकी आईज की जो आई लैशेज हैं उनकी लेंथ बहुत अच्छे से
मतलब बड़ी दिखे आपको, तो ये है इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। और इसके स्ट्रोप्स मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है इसकी स्ट्रोप, बहुत ही अच्छे से आई है। और ये आप देख सकते हो डिफरेंस, दोनों आईज में डिफरेंस देखो यार, ये लेंथ ने इसको कर दिया है अच्छे से ऊपर। ये देखिए ये है लेंथ इसकी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, और इसमें भी मैंने नहीं लगाया है। और अगर मैं दो तीन कोड और लगा लूँ ना, तो ये और ज़्यादा अच्छे से ऊपर की तरफ लेंथ को प्रोवाइड करेगा। लुक एट द डिफरेंस गाइस, इस साइज़ में और इस साइज़ में डिफरेंस अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, मैं पास आके दिखा देती हूँ। तो इसकी लेंथ आप देख सकते हो यहाँ पर है, उसकी लेंथ अभी नहीं है। सो गाइज़ ये है लास्ट प्रोडक्ट, और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ 299 रुपीज़ ओनली। तो मैंने आपको बोला ना सारे प्रोडक्ट आपको इतने ही कवरेज में मिल रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इनको बाय करके, और बहुत ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ इनके साथ आपको पूरा फुल रिव्यू शेयर करने के लिए। और होप आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल पर्पल का पसंद आया हो। बहुत टाइम बाद मैंने पर्पल का शॉपिंग हॉल आपका शेयर किया है, बट मैं ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स का वेट कर रहे थे कि जो भी मैं बाय करूँ बहुत अच्छे हों और बहुत ही अफोर्डेबल हो, जिसको मैं आपके यहाँ शेयर करूँ तो आपको भी पसंद आए और आप भी बाय कर सको। और वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, अभी तक देख रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज। प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए न्यू वीडियोज लेके आती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इस तरह से एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।